कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें देखना अभी भी बाकी है। जो इंसान पिछले 3 हफ्ते में खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं किया, उस इंसान का जो है अभी असली रूप देखना बाकी है, जबकि जो शो है वो सिर्फ 6 हफ्ते का है और 3 हफ्ते जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे लॉर्ड द सलमान खान का कहना है कि पीपल वॉन्ट टू, मतलब क्या जानना चाह रहे भाई, पीपल व्हाट वांट टू नो, क्या है ऐसा। साइरस बरूचा का एक ही काम रहता है कि खिलाओ पिलाओ और सुलाओ, खिलाओ पिलाओ और सुलाओ। एक उम्र के बाद इंसान जो है टाइम पे सोना और टाइम से उठना बंद कर देता है, वो बहुत लेट सोता है और बहुत जल्दी उठ जाता है, जिसके वजह से जो है 3 या 4 घंटा ही सो पाता है। तो भाई ये उम्र का तकाजा है, इसको जो है कोई मोटिवेशन नहीं कहते। MTV बकरा का एक टाइम पे ना बहुत बड़ा फैंडम था और मैंने खुद साइरस भाई के ऊपर में एक वीडियो बनाया, जिसको देखने के बाद में लोगों ने बोला हुई साइरस हमें तो नहीं पता था, आपने बताया तो समझ में आया भाई ये कौन था। तो भाई ये इतना लंबा सफर तय कर चुके हैं कि अब इनके अंदर का जो ह्यूमर है ना वो खत्म हो चुका है। लेकिन सलमान खान का कहना है लोग जो है तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें देखना चाह रहे हैं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। भाई अगर ये करके अच्छा करना होता है ना भाई, तो बाकी सब तो तुम सुपरस्टार है, खास करके इस घर के अंदर में, रियल लाइफ का तो छोड़ ही दो। इस बातों का अगर एक दूसरा पहलू देखने के लिए जाए तो भाई वो ये है कि साइरस का जो है चटनी बन चुका है, एक तरफ है बेबी का और तरफ अपनी प्यारी मैम पूजा, इन दोनों का, एक का चीखना चिल्लाना और एक का एक्सप्लेन करना, इनसाइक्लोपीडिया बनना, एक ही लाइन को एक बड़े से पैराग्राफ में कैसे डिस्क्राइब करना है वो मैम को बहुत अच्छे से आता है। इनके हाथ में बस छड़ी होनी चाहिए और सबके पिछवाड़े पे सट सट लगाने का इजाजत मिल जाना चाहिए, फिर ये बिग बॉस नहीं बल्कि एक स्कूल लगेगा। और ये दोनों हरकतों की वजह से बंदा कह रहा है आई एम टोटली ब्रेक डाउन, आई एम टोटली गॉन, मेरे अंदर में फिजिकली और मेंटली कोई भी शक्ति नहीं बची है, लेट मी गो आउट, मुझे 1-2 हफ्ते के बाद वापस आने दो। उसके बाद से इतनी बार उसको कहा जा रहा है कि इस तरह से जो है तुम अपने आप को यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकते और जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, पर भाई साहब ने कह दिया पहले मेरा मेंटल स्टेटस सही होने दो, मैं फिजिकली डाउन हो चुका हूँ, मुझे सोने को नहीं मिलता है, मुझे खाने को नहीं मिलता है। और बीच में जो है बहुत ही पारिवारिक तरह का एक जोक मारा सलमान खान ने कि व्हाट डिड यू मिस इन द नाइट साइरस, अरे बीवी को मिस कर रहा है यार, ये सबको पता है, तुम अभी उसमें काय का चुटकी ले रहे हो भाई, तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम पूरा दिन आके सेट पे पड़े रह सकते हो, रात सालों साल तक पड़े रह सकते हो। अब तो भाई रिकॉर्ड होने वाला है कि पहले सलमान खान जो है साल में 4 महीने के लिए आता था, अब तो भाई फिक्स हो चुका है कि 6 महीने के लिए आएंगे, मतलब समझ रहे हो, एक्टिंग करियर गया तेल लेने के लिए, 6 महीने हम बिग बॉस करेंगे, बाकी का 6 महीना जब बचेगा उसमें जाके शूट वूट कर देंगे और कोई भाईजान जैसा एकदम तगड़ा सा मूवी लेकर के आएंगे जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ होगा। तो भाई साइरस को बचाने की इतनी चुल क्यों है, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ कि भाई कोई टॉपिक नहीं मिला और अगर टॉपिक मिलता तो पूजा भट्ट की बैंड बजाने वाली, तो अभी ये एपिसोड को कैसे करके क्रॉस करे, लिटरली कह रहा हूँ 7 मिनट तक कंटिन्यूअसली साइरस के मुंह से ये सुनने को मिला कि मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना है, मैं नहीं रहना चाहता हूँ यार, नहीं, दुनिया तेल लेने गया, भाड़ में गया, मेरा पर्सनालिटी क्या, यही पर्सनालिटी है मेरा, मेरे को नहीं करना है, मेरे अंदर से आ ही नहीं रहा कॉमेडी, मैं क्या करूं, मुझे जाने दो, पक गया भाई, एक टाइम के लिए लगा म्यूट मार देते हैं, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा एक भागो एक रोको वाला तब हम देख लेंगे, इतना वाहियात लगा कल का वीकेंड का वार। और सलमान खान को लगता है कुछ अच्छी सर्विस मिल गई थी कल के दिन में, तो मूड जो है ना बहुत हैप्पी हैप्पी वाला था और उसके वजह से पूरा घर का भी मूड हैप्पी हैप्पी वाला हो गया। देखो इंडिकेशन मिला है कि भाई जो सचदेवा है अपने अविनाश सचदेवा वो रुक गए और भाई साहब ने अपना ब्रह्मास्त्र जो चला दिया लव एंगल, उसके दिल में किसी के लिए फीलिंग है, बंदी ने बड़े प्यार से फ्रेंड जोन भी कर दिया है, तो भाई लव एंगल जब शुरू हो गया तो घर से कैसे निकाल सकते, पूजा भट्ट को निकालना इम्पॉसिबल है, उसको हमें विनर बनाना है। और अगर बात की जाए यहाँ पे साइरस को, यार इसको कैसे निकालेंगे, इसको नहीं निकाल सकते, भले से वो निकलने ही वाला हो लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो घर पे रहने लायक इंसान है। 3 हफ्ते में भाई साहब ने अपने कुछ भी पावर्स नहीं दिखाए, कोई पर्सनालिटी नहीं दिखाया, वो एक सुलझा हुआ इंसान है, किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है, खा पी के मस्त है, बीवी की याद में है, बच्चों से मिलने के लिए तरस रहा है, होम सिकनेस आ रहा है, किसी को जानना था कि होम सिकनेस होता क्या है, जब आप घर से बाहर निकलते और काफी टाइम के बाद जो है अब आपको रियलाइज होता है कि घर पहुंचने में काफी टाइम और काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा, उस वक्त में जो घर पहुंचने की जल्दबाजी होती है उसी को कहते हैं होम सिकनेस। मुझे हर बार होता है जब भी मैं घर से बाहर कहीं दूर 1-1.5 घंटे की दूरी में चला जाता हूं, तो अब मुझे लगता है मैं बस कैसे पकड़ूंगा, मुझे कौन सा ऑटो मिलेगा और कितने बजे तक मैं जाके घर पे खुलेआम जाकर के लेट सकता हूं। तो भाई इसी को होम सिकनेस कहते हैं और इसी होम सिकनेस से जो है साइरस पीड़ित है, अभी उसको नहीं रहना है यहाँ पे, किसी भी तरह का कोई
प्रेशर नहीं चाहिए। अगर बेबिका और पूजा भट्ट घर से निकली, दोनों में से कोई एक भी निकली, तो बंदा एक बार के लिए बोलेगा हाँ ठीक है 2 करोड़ अब जो है मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ, अब मैं रह लूंगा। तो भाई साहब जैसे 2 करोड़ का नाम सुने तो थोड़ा उनके होश फाकता हो गए, 2 करोड़ देना होगा, तो भाई उसके वजह से थोड़ा रुकने वाले मूड में आ गए। एंड आयरनी देखो, जो बंदा एकदम लिस्ट में था आज सुबह तक भाई वोटिंग पे देख रहा हूँ नंबर 2 पे, और वो साइरस जो है साइरस बलूचा ट्रेंड भी कर रहा है, भले से उसका एक सिंगल फुटेज नहीं मिल रहा है ट्विटर में डालने के लिए, लेकिन हैशटैग बराबर चल रहा है। उसके बदले में बकरा दिखा रहे, कुत्ता दिखा रहे, लेकिन ट्विटर के अंदर में साइरस बलूचा जो है वो ट्रेंड कर रहा है। भाई बहुत क्लास लेवल का है, और इसी वजह से बिग बॉस को गाली पड़ती है कि बिग बॉस शो जो है पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। आप बताओ आपका क्या कहना है, आप साइरस बलूचा को क्या नेक्स्ट वीक देखना चाहते हो, उनकी और पर्सनालिटी जानना चाहते हो कि वो कैसे अंडे और मटन के लिए लड़ते हैं और सोने के लिए कैसे टॉयलेट के बाहर में जाकर के लुढ़क पड़ते हैं, आपको और देखना तो बताना कमेंट सेक्शन पे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट वाज द अपडेट एंड दैट वाज द गॉसिप एंड ऑब्जर्वेशन जो भी था। और भी जानने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, वीडियो को यहां तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।